खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महू तहसील के ग्राम हरसोला में प्राचीन अमरेश्वर महादेव मंदिर स्थल पर 21 तारीख से भोलेनाथ का 3 दिवसीय मेले का आयोजन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत हरसोला द्वारा ग्रामीणों मेला समिति के गठन कर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से आने वाले व्यापारियों की बिजली पानी एवं रहने की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भांग धतूरा से किया जाता है। इस 3 दिवसीय मेला में अमरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की ओर से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया जाता है। यह जानकारी अमरेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष सरपंच पति विष्णु मालवीय, ग्राम सचिव जीवन वर्मा, कर्मचारी गणेश ठाकुर, देवेंद्र वर्मा एवं समिति सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह तोमर, महेश राठौर एवं मंदिर के पुजारी महादेव गिरी, हीरा गिरी आदि ने जानकारी दी। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। हरसोला में स्थित अति प्राचीन अमरेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में हर सिद्धि माता का मंदिर भी था, जो कई दशकों पहले यहां से मूर्ति को उज्जैन स्थापित की गई, जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उज्जैन की हर सिद्धि माता के नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि के दिन से 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में हरसोला के आसपास के कई गांवों की जनता मेले देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ होती है। महादेव का मंदिर का भी महत्व है। महादेव का बहुत मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये परमार काली मंदिर बताते हैं और 1100 साल 11वीं सदी का है। और इस मंदिर की क्या खासियत है? इस मंदिर में जो भी मांगो वो मनोकामना पूर्ण होती है जल्दी से जल्दी। सुना है कि यहाँ की हरसिद्धि माता उज्जैन में गई है। हाँ, ऐसा सुना है हमने भी, हरसिद्धि माता यहाँ से गई उज्जैन। कुछ समय पहले यहाँ मंदिर की खुदाई की गई थी। हाँ, इसमें क्या पुराना मंदिर मिला? हाँ, पुराना मंदिर के अवशेष मिले हैं उसमें, जो उसमें वो पुरातत्व विभाग ने उसको बंद करवा दिया था। और ये जो मेले का आयोजन किया जाता है, ये कौन किसके द्वारा होता है? ये मेले का आयोजन तो क्या है, मंदिर समिति बनती है और ग्राम पंचायत की तरफ से मेले का आयोजन होता है। आसपास और 3 दिन का होता है, या आसपास के सभी ग्रामीण लोग आते हैं। हमें जो महादेव का नाम स्थापित है और बहुत मत लोग यहाँ पे दर्शन कर आते जाते हैं और सभी पे जनता आती है। शिवरात्रि के व्रत के दिन श्री अमरेश्वर महादेव का नाम जो शिव मुकुट है, साथ पालकी निकलती भगवान की सवारी और एक ग्रामीण भ्रमण करते हुए अमरेश्वर महादेव स्थान पे विराजमान करते हैं। अगर हो भगवान का नाम ले ले सभी गांव के लोग। मेले के दिन आज मेला है यहाँ पर, 3 दिन का मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन से मेला शुरू होता है और अमावस्या के दिन विसर्जन होता है मेले का। और इसी दिन धर्म का प्रचार के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। वैसे आजकल क्या हरि कथा का प्रचलन बहुत कम हो गया है, इसी बहाने से धर्म का प्रचार हो जाए, भगवान का नाम ले ले और सुंदर मेले का आयोजन हो। ये अमरेश्वर महादेव मंदिर का क्या महत्व बताएंगे आप? मंदिर कहा गया है कि बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जो भी भक्त बाहर से आते हैं, यहाँ देश विदेश से, बाहर से अनेक राज्यों से, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बताया कि यहाँ दर्शन करने से जो भी मनोकामना मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। महू से कैमरामैन चांदनी ठाकुर के साथ संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।